गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप योर मैथ टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8A एंगल एंड ट्राइंगल। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे तो एंगल एंड ट्राइंगल, तो उसी से रिलेटेड 8A एक्सरसाइज है जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट क्वेश्चन 8A का है, ड्रा द रफ स्केच। रफ मतलब हाथ से बनाना है ये। रफ का मतलब है मतलब इसको स्केल का यूज नहीं करना है। स्केच ऑफ ए ट्राइंगल, ए रेक्टेंगल एंड ए पॉलीगोन ऑफ फाइव साइड। वो फाइव साइड की पॉलीगोन बनानी है, एक रेक्टेंगल बनाना है और एक ट्राइंगल बनाना है। ये सिर्फ आपको रफली बनाना है, कोई इसका मेजर नहीं दे रखा है। तो आप इसको हाथ से बना सकते हैं या आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स लेंथ इसकी नहीं दे रखी है, आपको अपनी मर्जी से ही बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केच बनाना है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इस टाइप की होती है, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल। सेकंड क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल आपको पता है किस टाइप दिखती है, इस टाइप। अपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें, ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, दो स्केच हो गए हैं। रफ स्केच बनाने सिर्फ आपको, और फाइव साइड की बोलेंगे माइनस उसकी साइड फाइव। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। इक्वल इक्वल लगभग इक्वल इक्वल जी साइड हो यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइव साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग द कंपास ड्रा द सर्कल इज डायमीटर 6 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर दे रखा है यहाँ पे, कितने सेंटीमीटर का दे रखा है डायमीटर, डायमीटर कितने सेंटीमीटर का दे रखा है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि सर्कल जो बनाते हैं हमें रेडियस से बनता है, हमेशा डायमीटर से नहीं बनता है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन में 2। तो 10 अपॉन में 2 का मतलब 10 को 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो अब आप कंपास लेंगे, 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और वहाँ पे रख के फिर सर्कल लगा देंगे। 5 सेंटीमीटर आपको स्केल से खोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पिछली क्लास में कर चुके हैं, फाइंड द डायमीटर। अब इसमें डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या है इसकी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है कितनी, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। क्या है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो इसको हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आएगा 5.0। ठीक है, सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर है। क्लियर है, ऐसे इसको 2 मल्टीप्लाई 6 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ये डायमीटर होता है, इस फॉर्मूला इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है इनको, रेडियस को, तो डायमीटर रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे निकालना है, पहले रेडियस लिखना है, फिर डायमीटर 2 मल्टीप्लाई रेडियस फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, आपको 2 एग्जांपल देंगे पैरेलल लाइन के, आपके आसपास सराउंडिंग माने अपने आसपास। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइन ऐसे जो साथ साथ चले और कभी आपस में ना मिले, वो होती है पैरेलल लाइन। तो ऐसी पिक्चर आपके आसपास सराउंडिंग में क्या है, रेल की पटरी है, ऐसे हमें देखना है और वो पैरेलल लाइन, ऐसे 2 एग्जांपल हमें लिखने हैं। ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन क्या होती है, जैसे दो लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे टच करे। ठीक है, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होती है। ऐसे एग्जांपल आपको देखना है और वहाँ पे इसके 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखने हैं। एफ क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रे एंड लाइन। रे और लाइन के यहाँ पे नेम लिखने हैं। ठीक है, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट। पहले रे और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इसके नेम लिख पाओगे। सबसे पहले इसके रे और लाइन सेगमेंट यहाँ पे पढ़ने हैं कि क्या होती है रे और क्या होती है लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये आगे इसको हम कभी भी नहीं आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये इसकी पहचान है लाइन सेगमेंट की, इसके एंड पॉइंट होते हैं दोनों तरफ। ठीक है,
ये इसका एक एक तरफ एंड पॉइंट होता है, एक तरफ नॉन एंड पॉइंट होता है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी, ठीक है। तो एक होती है लाइन जिसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट होते हैं, इसमें वन एंड पॉइंट होता है, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसे कोई एंड नहीं है, इसको हम जितना चाहे मर्जी इसको आगे पीछे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसी लाइन रे में सिर्फ हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट में इसमें हम दो दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें इसमें हम आगे ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं ना ही हम इसको इधर, सिर्फ इतना ही होता है बस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपको इस यही आपकी ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है और ये लाइन है। तो अब आप इसमें छाड़ इसमें आपको नेम लिखने हैं, देखो ये दिख रहा है यहाँ से, तो इसका एंड पॉइंट है, इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे हम इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या है रे, तो रे का नाम क्या हो गया ए बी, ई रे का सिंबल है, ठीक है। और दूसरी रे क्या है इसमें, सेकेंड रे ये सी डी, देखो इसको हम यहाँ, ये तो एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो और ये इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, इसकी सेकेंड रे क्या होगी सी और डी, ये इसके ऊपर इसका सिंबल है, क्लियर। अब आता है दूसरा, हमें क्या लिखना है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, देखो अब यहाँ इसमें इस पिक्चर में देखना है हमें, इसमें देखना है, तो यहाँ ये इसका एंड पॉइंट है और ये सी ए सी, ये इनके एंड पॉइंट है, ये इसका सिंबल है ऊपर लाइन सेगमेंट का, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है, ऐसे ही यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है, तो सेकेंड क्या हो गया सी ई, ये दो लाइन सेगमेंट, ऐसे ही हमें इस पिक्चर में देखनी है। ए बी ये रे है, ये यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, देखो रे रे का मतलब एक तरफ बढ़ रही है, ये इनके एंड पॉइंट, इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हम, इसको आगे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये लाइन सेगमेंट है, क्लियर। इसके बाद ये पैरेलल लाइन है, आपको बताया था मैंने, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जो कभी टच ना हो, दोनों तरफ बढ़ाने पे पैरेलल चले, साथ साथ चले, पैरेलल का मतलब जो का ऐसे ऐसी दो लाइन जो साथ साथ चले, आगे बढ़ाते रहें साथ साथ चलती रहेगी, ऐसे कभी टच नहीं होगी, लेकिन नॉट पैरेलल तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे टच हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये पैरेलल लाइन हमें छाँटना है, ये पैरेलल लाइन कौन सी है, नॉट पैरेलल कौन सी है, तो ये पैरेलल लाइन है, ये नॉट पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रू और फॉल्स, इफ सर्कल इज पॉलीगॉन, फॉल्स है, पॉलीगॉन नहीं होता है, वो जो लाइन पॉलीगॉन जो होता है वो लाइनों से बना होता है, लाइन सेगमेंट से। ऑल स्क्वेयर आर रेक्टेंगल, ट्रू, स्क्वेयर है वो रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है, ऑल स्क्वेयर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल ऑफ डायमीटर, रेडियस नो, हाफ होता है इसका, डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, ठीक है। रेडियस जो होती है सर्कल डबल नहीं होती, डायमीटर की हाफ आधी होती है। एवरी डायमीटर इज ए सर्कल ऑफ कोड, ठीक है, ये ट्रू है, जो डायमीटर का सर्कल होता है डायमीटर का वो कोड भी होता है, डायमीटर सर्कल का, सर्कल का जो डायमीटर होता है ना सर्कल, उसको कोड भी कहते हैं। ये सर्कल हैज ओनली वन सेंटर, ट्रू, ये एक ही सेंटर होता है सर्कल का, जो जहाँ पे लगा के हम लगाते हैं उसका एक ही सर्कल होता है, ठीक है। और जो डायमीटर होता है सबसे बड़ा वो कोड भी होता है, ठीक है। ये ऑल रेडियस आर सर्कल आर इक्वल, यस, जो रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक की, जो रेडियस होती है वो सबकी इक्वल होती है, यहाँ से यहाँ तक ले लो भाई, यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी रेडियस है, ये सारी इक्वल मिलेगी, ठीक है, ये ट्रू है। थैंक यू।